एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के एसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। हमारी पिछली वीडियोस जो व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर वर्ड्स पर बनी हुई हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ कि मेरी ये क्लासेस जो हैं, कंप्यूटर बेसिक कोर्स की जो क्लासेस हैं, वो ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बिकॉज इसमें हम कंप्लीट बेसिक इसमें हम पढ़ा रहे हैं और डीपली बेसिक है, जिससे ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होगी अगर इस वीडियो को वो देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोज़ को शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस प्राप्त हो पाए। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जो स्टेप बाय स्टेप उसमें बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस को डेवलप किया गया, जो परिवर्तित किया गया और एक नई नई टेक्निक उसमें लॉन्च की गई। तो आज हम आप लोगों को इस क्लास में कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट हुए हैं कंप्यूटर के, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जो कैलकुलेटिंग मशीन आई, जिसे अबाकस कहा गया, अबाकस एक पहली कैलकुलेटिंग मशीन, वर्ल्ड की पहली कैलकुलेटिंग मशीन अबाकस थी, जो कि 500 बीसी में चाइना ने डेवलप करा। जो पुराना अबाकस था वो लकड़ी का बना होता था, जिसमें तीलियां लगी होती थी और उसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते थे, जिसके द्वारा हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का वर्क आसानी से कर लेते थे। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जो आपकी है वो अबाकस है, जो कि चाइना ने डेवलप किया 500 बीसी में। ये वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन है। इसी को देखते हुए अगर हम कहें मैकेनिकल कंप्यूटर का बेस क्या है, तो अबाकस ही मैकेनिकल कंप्यूटर का बेस है, क्योंकि जब तक आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, अबाकस को देखते हुए उससे एडवांस डिवाइस बनाने के लिए और सारे वैज्ञानिकों ने और सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रयास किए, फिर एक नई नई डिवाइसेस डेवलप की गई। तो सबसे फर्स्ट डिवाइस जो थी कैलकुलेटिंग मशीन, जिसे हम अबाकस कहते थे, जो चाइना ने डेवलप किया था 500 बीसी में। अबाकस का यूज़ आज भी चाइना, जापान ऐसे सारी कंट्रीज़ में देखा जाता है। अबाकस के द्वारा कैलकुलेशन का वर्क, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का वर्क बड़ी ही आसानी से किया जाता है। सेकेंड है आपका नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स अबाकस के बाद नेपियर्स बोन आई, जिसके द्वारा हम मल्टीप्लिकेशन का वर्क बड़ी आसानी से कर लेते थे, चूँकि अबाकस के द्वारा हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वर्क करते थे, बट नेपियर बोन्स के द्वारा हम मल्टीप्लिकेशन का वर्क, गुणा करने का काम हम बड़े ही आसानी से कर लेते थे। नेपियर बोन अबाकस से और एडवांस कैसे था, चूँकि अबाकस के द्वारा हम कोई भी फ्रैक्शनल पोजिशनिंग नहीं कर पाते थे, कहने का मतलब हम कोई भी डेसिमल पॉइंट तक रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते थे, बट नेपियर बोन्स के द्वारा हम डेसिमल पॉइंट में रिजल्ट प्राप्त करते थे। नेपियर बोन्स को हम लॉगरिथमिक टेबल कहते थे, लैब कहने का मतलब पहला नाम नेपियर बोन्स को लॉगरिथमिक टेबल कहा जाता था, उसके बाद इसे नेपियर्स बोन कहा जाने लगा। लॉगरिथमिक टेबल इज ऑल्सो नोन नेपियर्स बोन इन 1614 बीइंग यूज्ड इन मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स लॉगरिथमिक टेबल को आगे चल के नेपियर बोन्स के नाम से जाना गया, जो कि 1614 ईस्वी में डेवलप किया गया। ये मल्टीप्लिकेशन, इसका जो मेन वर्क था मल्टीप्लिकेशन करने का था, इसके द्वारा गुणा का काम हम बहुत ही आसानी से करते थे। इसके जो रिजल्ट होते थे वो डेसिमल पॉइंट्स में हम प्राप्त कर सकते थे, जो कि अबाकस के द्वारा कोई भी ऐसा हम वर्क करते थे जिसमें हमको डेसिमल में रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता था, बट नेपियर बोन्स के द्वारा हम डेसिमल पॉइंट्स में रिजल्ट प्राप्त करते थे। नेपियर बोन को जॉन नेपियर्स ने डेवलप किया। अगर हम कहें फादर ऑफ नेपियर बोन्स, तो सर जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में नेपियर बोन को डेवलप करा। नेक्स्ट देखते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन द फर्स्ट वाज द प्रोडक्शन ऑफ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन इन 1642 बाय ब्लेज पास्कल। पास्कलाइन जो था वो सर ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में डेवलप किया, जिसे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया।
पास्ट लाइन वाज अ मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल मशीन थी ये। इसके द्वारा हम कोई भी मैथमेटिकल वर्क करते थे, गणना करने का काम करते थे। इसके अंतर्गत बहुत सारी टूथेड व्हील पाई जाती थी जिसके द्वारा हम गणना का काम करते थे। टूथेड व्हील मतलब दांतेदार चक्र होता था इसमें, जिसके द्वारा हम गणना का काम करते थे। उसके द्वारा हम मैथमेटिकल क्लॉक्स वर्क, ऑटोमीटर वर्क, ऑटोमीटर्स मतलब मील मापी वर्क करना होता था, या ऐसी कोई गणनाएं करनी होती थी तो हम पास्कलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से करते थे। पास्कलाइन बनाने के नाते ब्लेस पास्कल जी को फादर ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर और फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया। इन्होंने पास्कलाइन को 1642 ईस्वी में डेवलप करा, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। नेक्स्ट हम देखते हैं जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम जो जोसेफ जैक्वार्ड ने डेवलप किया, जो कि फ्रेंच के जुलाहा थे, इन्होंने जैक्वार्ड लूम्स तैयार किया जिसे वेविंग मशीन कहा जाता था। अब वेविंग मशीन इन्वेंटेड इन 1801, इट मींस जैक्वार्ड लूम्स जो है, जो जोसेफ जैक्वार्ड ने डेवलप किया 1801 ईस्वी में, उसे वेविंग मशीन कहते थे। वेविंग मशीन मतलब होता है बुनाई करने की मशीन, जो कपड़े की बुनाई करता था, जिसपे कपड़े की डिजाइनिंग की जाती थी, जिसके द्वारा कपड़े पर पैटर्न्स क्रिएट किए जाते थे, जो कि जैक्वार्ड लूम के नाम से जाना गया। जिस वेविंग मशीन को बाद में जैक्वार्ड लूम के नाम से जाना गया, बिकॉज जैक्वार्ड लूम को जोसेफ जैक्वार्ड ने डेवलप किया था, तो उनके नाम पर इसे जैक्वार्ड लूम कहा गया, जिसके द्वारा कपड़े पर डिजाइनिंग का वर्क, पैटर्न क्रिएट करने का वर्क बड़ी आसानी से किया जाता था, जो कि 1801 में डेवलप किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बैबेज जी कौन थे? चार्ल्स बैबेज जी इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, जिन्होंने एक ऐसी मशीन डेवलप की जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से जाना गया, जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर की तरह से वर्क करता था, जो कि 1823 ईस्वी में डेवलप किया गया। ये जो चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे, ये उसमें पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने अपना वर्क, अपना प्रयास स्टार्ट ही रखा, बिकॉज ये चाहते थे कि हम कुछ ऐसा डेवलप करें, कुछ ऐसी मशीन काम करें जो हम आज की गई गणना को हम नेक्स्ट डे में भी प्राप्त कर सकें। पहले क्या रहता था, हमने आज जो गणना किया, मशीन को बंद करने के बाद वो वहीं फिनिश हो जाता था, खत्म हो जाता था, नेक्स्ट डे हमें पूरा काम फिर से करना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कुछ हम ऐसा करें जो हमने आज काम किया है वो स्टोर्ड रहे, नेक्स्ट डे हम उसके आगे काम कर सके। तो उन्होंने नेक्स्ट एक डिवाइस डेवलप किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था, जो 1833 ईस्वी में डिजाइन किया गया। आप देखें इन 1833 बेजल डिजाइन एन एनालिटिकल इंजन। 1833 में वेबेज जी ने एक एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया। दिस डिवाइस डेवलप टेक्नोलॉजी द वे ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की तरह से थी। इट मींस इन्होंने मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का बेस रखा इस डिवाइस के माध्यम से, बिकॉज हिज एनालिटिकल इंजन वाज बिल्ट अराउंड द सम फाइव कंपोनेंट्स। इसमें वो इंपॉर्टेंट पांच ऐसे कंपोनेंट थे जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। वो है क्या? इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल, स्टोरेज, मेमोरी एंड एलयू। वो पांच कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। यही पांच ऐसे कंपोनेंट हैं जिस पर आज का मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिपेंड करता है। इसके नाते इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इन्होंने टेक्निक प्रोवाइड कर दिया, इन्होंने मेमोरी दे दिया कंप्यूटर को। इस नाते से फिर कंप्यूटर में स्टोरेज प्राप्त होने लगा। स्टोरेज मेमोरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके द्वारा हम स्टोरेज प्राप्त कर सकते थे और नेक्स्ट डे हम उसके आगे जो काम हमने पहले किया हुआ था उसके नेक्स्ट डे पे उसके आगे हम काम कर पाते थे। तो ये पांच यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पांच कंपोनेंट को देने के नाते ही इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। तो चार्ल्स बैबेज जी को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्होंने बनाया, इसका बेस ब्लेस पास्कल जी का मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसके बेस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया,
जिसकी टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न कंप्यूटर में यूज किया जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडा अगस्टा बायरॉन, एक लेडी प्रोग्रामर थी जो कि चार्ल्स बैबेज की स्टूडेंट थी और इनके फादर एक मिस पोएट थे, बायरॉन जी पोएट थे, उनकी एक पुत्री थी। बायरॉन जी चार्ल्स बैबेज से बहुत घनिष्ठ होने के नाते चार्ल्स बैबेज जी के जो डिवाइस उन्होंने क्रिएट किया था, जो इंजन उन्होंने बनाया था, उसमें फर्स्ट प्रोग्राम एडा अगस्टा ने दिया जो एक लेडी प्रोग्रामर थी, द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट किया जो कि एनालिटिकल इंजन की डिवाइस में वर्क किया, वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा के नाम से जाना गया, चूंकि इन लेडी प्रोग्रामर का नाम एडा अगस्टा बायरॉन, फुल नेम इनका था एडा अगस्टा बायरॉन, जिन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट किया जो फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी, वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामिंग करने वाली थी। इनके नाम से ही इनके प्रोग्राम का नाम एडा पड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड एक ऐसी डिवाइस थी जो कार्ड में पंचिंग के माध्यम से उसको हम काउंटिंग वगैरह करने गणना का काम करते थे। इन 1890 में डिजाइन अ पंच कार्ड डिवाइस, 1890 में पंच कार्ड डिवाइस को डिजाइन किया गया। 1880 में पंच कार्ड डिवाइस के लिए पंच कार्ड की का सेटअप स्टैब्लिश किया डॉक्टर हरमन हलरिथ ने। डॉक्टर हरमन हलरिथ ने पंच कार्ड बनाने के लिए एक सेटअप तैयार किया जो कि उन्होंने 1890 में पंच कार्ड को डेवलप किया, पंच कार्ड डेवलप कर दिया, इसलिए फादर ऑफ पंच कार्ड डॉक्टर हरमन हलरिथ। नेक्स्ट टाइम उसके कुछ समय बाद टैबलेटिंग मशीन का सेटअप लगाया डॉक्टर हरमन हलरिथ ने, जिस सेटअप के द्वारा दिखाई 1896 ही सेटअप टैबलेटिंग मशीन कंपनी, इन्होंने एक टैबलेटिंग मशीन कंपनी को एस्टैब्लिश किया 1896 ईस्वी में, जिसके द्वारा विच लेटर बिकम आईबीएम, जो आज आईबीएम के नाम से जानी जाती है। आप ऐसे कह सकते हैं आईबीएम कंपनी के जो फाउंडर पर्सन थे वो डॉक्टर हरमन हलरिथ थे, उन्हीं की ये कंपनी थी जो कि आज आईबीएम के नाम से जानी जाती थी। टैबलेटिंग मशीन कंपनी जो पहले थी हरमन हलरिथ ने एस्टैब्लिश करा था, वो आज आईबीएम के नाम से जाना जाता है, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं। टैबलेटिंग मशीन कंपनी आईबीएम में 1924 में कन्वर्ट कर दिया गया। टैबलेटिंग मशीन्स के द्वारा वहां से पंच कार्ड डेवलप किए जाते थे इस कंपनी के माध्यम से। तो टैबलेटिंग मशीन एंड पंच कार्ड के जन्मदाता या कहे जाएंगे डॉक्टर हरमन हलरिथ। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्क वन कंप्यूटर जो है उसे हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है मार्क वन। ये 1944 में इसका इन्वेंशन किया गया। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, फर्स्ट वर्ल्ड का, विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन है आपका, जिसका फुल नेम है ऑटोमेटिक, इसको हम मार्क वन भी कहते हैं और इसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, जिसे मार्क वन के नाम से जाना जाता है। यह 1944 में इसका इन्वेंशन किया गया डॉक्टर हॉवर्ड एकेन के द्वारा, डॉक्टर हॉवर्ड एकेन के द्वारा मार्क वन कंप्यूटर को डेवलप किया गया। इसके डेवलप करता या इसके इन्वेंशन करता है डॉक्टर हॉवर्ड एकेन। नेक्स्ट हम देखते हैं एटना सॉफ्ट वैली कंप्यूटर, जिसे एबीसी कंप्यूटर कहा जाता है, एटना सॉफ्ट वैली कंप्यूटर, जो जॉन एटनासॉफ के नाम पर इसका नाम डाला गया हुआ है, एटनासॉफ वैली कंप्यूटर। इन 1945 डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेवलप किया एटनासॉफ वैली कंप्यूटर को, एबीसी के नाम से जाना जाता है। इसको डेवलप करने वाले कौन है, जॉन विंसेंट एटनासॉफ ने एबीसी कंप्यूटर को डेवलप किया, जिसका पूरा नाम एटनासॉफ वैली कंप्यूटर कहा गया। इसके बाद आ गया 1945-46 में आ गया आपका, जिसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए। अब हम एनईए के बारे में
देखते हैं, हम देखते हैं NA इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। NA जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है आपका, जिसे वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। सन 1945-46 में जॉन विलियम माउसली एंड जोसेफ पास्कल ने इस कंप्यूटर को डेवलप किया, जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा गया। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डेवलप किया गया। NA को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डेवलप किया गया। इसे वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। NA इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। देखा जाए इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आप देखें तो सिद्धार्थ नाम से है, जो कि इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से कहा जाता है। NA के बाद बहुत सारे कंप्यूटर्स आपके आए, जैसे एडवेक है, यूनिवेक है, एडसेक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स आए। आप जाने कि NA से ही, चूंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वर्ल्ड का, यहीं से आपके कंप्यूटर की पहली पीढ़ी स्टार्ट होती है। NA जो था उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता था। इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता है। आपने हिस्ट्री देखी, कंप्लीट हिस्ट्री आपने देखा, अबाकस से लेकर के अबाकस, नेपियर बोन, पास्कलाइन, जेक्वाड लूम, अर्थमेटिकल रेप्लिका, आपने लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप किया उसको भी आपने जाना, पंचकार्ड किसने डेवलप किया, टैबलेटिंग मशीन क्या थी, IBM का इन्वेंशन कब हुआ, मार्क वन कंप्यूटर किसने डेवलप किया, एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर जिसे ABC कंप्यूटर कहा जाता है उसको किसने डेवलप किया। NA के बारे में कहने का मतलब कंप्लीट हिस्ट्री आपने इस वीडियो में देखा, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया हुआ है। कंप्यूटर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, यह मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यदि आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो फिर आपको जो मेन हिस्ट्री है उसका कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन है वो वीडियो को रिपीट करके देख ले, तथा वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, तो हम उससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम सॉल्व करेंगे। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।